यू सर के स्टूडियो में मैं आज डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स गेल इंडिया लिमिटेड, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। यू सर उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की साइंस टेक्नोलॉजी की विंग है जो एजुकेशन के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करती है। और डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक न सिर्फ पॉजिटिविटी के गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, पॉजिटिविटी के गुरु हैं और देश के और अंतर्राष्ट्रीय जगत में लेखक के रूप में, मैनेजमेंट गुरु के रूप में और पॉजिटिविटी के गुरु के रूप में विख्यात हैं। आज जो हमारे बीच में, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद। और आपसे निवेदन भी है, प्रार्थना भी है, क्योंकि यहाँ हम तमाम स्कूलों से, इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, बच्चों से जुड़े हुए हैं और सोसाइटी के हर उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो पॉजिटिविटी चाहता है, तो आपके मंत्र की सबको बहुत ज़रूरत है। आप इसके बारे में हम लोगों को बताएं। चलें, धन्यवाद जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जहाँ तक सवाल पॉजिटिविटी का, पहले मैं और दूसरा आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यू सर इतना बेहतरीन काम कर रहा है, इतना बेहतरीन, इसकी मेरे को, मैं आपसे सुना ही था मैंने, बट आज जब देखा तो लगा कि काफ़ी हद तक आपने काम अच्छा किया है। और गांव-गांव में जब आप बच्चों तक जा रहे हैं, उत्तरांचल के बच्चों के दिमाग तक जा रहे हैं, तो दिमाग पे ही जो बात आती है, दिमाग पे जो मैंने आपको बताया कि इनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सो वी हैव टू सी देयर इम्पैक्ट एट द सबकॉन्शियस लेवल। तो जनरली हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, देयर आर टू माइंड्स, द पीपल से दैट वन इज योर कॉन्शियस माइंड, अदर इज सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड हमारा जनरली डे टू डे एक्टिविटी एंड जो हमारी रिएक्शन होती है उस पर काम करता है, वेयर एज आवर सबकॉन्शियस माइंड इट वर्क्स ऑन आवर, इट इज लाइक वी से रॉम, आर ओ एम आपकी लैंग्वेज में है, जिसमें मेमोरी उड़ती नहीं है। रैम इज जब मेमोरी कैन बी इरेज्ड, रॉम इज मेमोरी कैन नॉट बी इरेज्ड, इट इज स्टोर्ड। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमको अपने माइंड को उसको ठीक करना है। तो ऐसे जैसे आपने साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाया, ये कहाँ पर असर करेगा? जब आप लगातार उनको बोल रहे हो तो बच्चे लोग ये शुरू से मजबूर होंगे, यार कुछ मैं क्यों ना करूँ, कुछ इसके साइंटिफिक चीज़ें क्या हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को अभी लगता है दिमाग में कि दे विल डेवलप ए लॉजिकल माइंड। तो हर चीज़ को वो एक लॉजिक के रूप में लेने का प्रयास करेंगे कि भाई अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट, जो न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, एवरी कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी चलती है हमेशा। कोई इफेक्ट है तो उसका मतलब उसका कोई ना कोई कारण है। तो हमको सबकॉन्शियस माइंड को ही अटैक करना है। मैं आपके लिए यही बोलूँगा यू सर को कि आप जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है, और इसको लेके जाए, थोड़ा उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस जरूर करें कि वहाँ के लोगों में, वहाँ के विद्यार्थियों में, वहाँ के, मैंने देखा एक ओल्ड लेडी आपके साथ खड़ी थी, एक ओल्ड लेडी खड़ी समझो 70-80 साल की, उसके दिमाग में ही परिवर्तन आ रहा है। तो हम जो हमारा जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविज्म जिसे हम बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, ये केवल हमको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, हमको अपने दिमाग को अच्छी सोच लानी है। हमारा मानना है कि आदमी जनरली, आदमी इज बेटर, जो भी आदमी है वो एक आदमी अच्छा आदमी होता है, खराब तो उसको सर्कमस्टांसेस करती है। तो पॉजिटिव हमने डॉक्ट्रिन बनाई, दैट मैन इज बॉर्न पॉजिटिव, दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्ट्रिन, कि आदमी सकारात्मक ही पैदा हुआ है, नकारात्मक उसको सर्कमस्टांसेस करती है। बट फिर ये पाया कि सब सर्कमस्टांसेस तो एक ही सर्कमस्टांस है। आप देखें, कोई आदमी अगर एक्सीडेंट में गिरा पड़ा है सड़क के ऊपर, एक आदमी अपना स्कूटर लेके जाता है, वो चल पड़ता है आगे, दूसरा आदमी रुकता है और वो उसको लेके हॉस्पिटल जाता है, जबकि सर्कमस्टांसेस सेम है बट दोनों के रिएक्शन अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की वही सबकॉन्शियस, उसका सबकॉन्शियस रिएक्ट किया उसको उठाने के लिए, उसका सबकॉन्शियस रिएक्ट किया मेरे को तो घर जाना, घर की जल्दी हो रही है। नाउ व्हाट मैटर, इट इज सर्कमस्टांसेस और मैंस माइंड। सो यू कैन फाइंड, ये ऐसे लॉजिक काफ़ी आपको मिल जाएंगे जहां आप ये समझेंगे कि यार ये तो आदमी ही है, सर्कमस्टांसेस उसको कंट्रोल नहीं करती हैं, हम सर्कमस्टांसेस को कभी कभी हावी होने देते हैं। इसे मैं एक बार लिखा हुआ था, डोंट अलाउ योर माइंड टू बी हाईजेक बाई द सर्कमस्टांसेस। आप क्या करते हैं, आप कोई भी दुर्घटना होती है, बॉस ने डांट दिया, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मंत्री ने ऐसा कर दिया, हम उसकी बात को अपने सर पे ऊपर लेके हम अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसीलिए अभी हमने एक दिल्ली में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, हमने 5-7 ऑफिसर्स के साथ हम कर रहे हैं कि निगेटिव टू पॉजिटिव,
निगेटिव टू पॉजिटिव क्या है कि आप एक कोई चीज सोच रहे हैं, आपके पूरे दिन भर में एक स्टडी के अनुसार से करीब 1 लाख थॉट आपके आते हैं और आउट ऑफ 1 लाख थॉट अराउंड 80,000 थॉट दे आर ऑल निगेटिव। करीब 20,000 के आसपास जो थॉट्स होते होंगे वो पॉजिटिव आते हैं। दूसरा, हर 5 निगेटिव थॉट, हर 2 निगेटिव थॉट को काउंटर करने के लिए यू हैव टू हैव 5 पॉजिटिव थॉट। इट मीन्स द पावर ऑफ निगेटिव थॉट्स इट इज ट्रेमेंडस। तो हमको क्या करना, अच्छा हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, वो तो आएगा, थॉट को तो आना ही है, तो परपेचुअल एक मशीन चल रही है। आपको क्या करना है, जो कृष्ण भगवान ने गीता में बोला था, आपको केवल साक्षी होना है। यू नीड टू ऑब्जर्व योर थॉट, अपने थॉट को देखो, उसको ऐसे नहीं है, रे तो ऐसे ही नहीं हो जाता। यू हैव टू नीड टू कंट्रोल योर थॉट। तो उसी के लिए हमने जो प्रोजेक्ट मैंने बताया निगेटिव पॉजिटिव, उसमें लोगों को बोला भाई आप कोई भी थॉट आपका निगेटिव आता है, रुको, पॉज फॉर ए मिनट, ऑब्जर्व फॉर ए मिनट एंड देन यू डाइवर्ट इट। और डाइवर्ट करके उसको, जैसे उसके मन में विचार आया यार ये तो मैं काम नहीं कर सकता, फिर सोचो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसी इसमें क्या चीज है। नहीं, अब एक पहले थॉट आई थी मैं नहीं कर सकता। और जनरली आज जो लोग, जो पर्टिकुलरली उत्तरांचल में कहो या जितने भी यूथ हमारा है, वो इसी सिंड्रोम से ग्रस्त है कि ये मैं नहीं कर सकता। आप ये सोचो, अब तो हम ये बोलते हैं कि भाई वी हैव टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। अब हम वो प्रोजेक्ट करते हैं, कोई आदमी बोलता है कि साहब ये नहीं हो सकता, अब तो उसे करना ही करना है, कैसे नहीं हो सकता, खाली आपको उसके पीछे लगा रहना पड़ेगा। सो निगेटिव थॉट यू नीड टू डाइवर्ट टू पॉजिटिविटी। और आप देखेंगे यार ये तो मेरा हो गया, ये तो यस आई कैन डू। तो ये एक थॉट आया, तो इसके परिणाम क्या हो रहे हैं कि पहले दिमाग आपको कंट्रोल करता था, पहले दिमाग बोलता था कि आई विल कंट्रोल यू। नाउ आफ्टर दिस, अगर और यही प्रैक्टिस अगर आप 20-21 दिन करो तो आप अपने ही थॉट के मालिक बन जाओगे। इट मीन्स यू कैन कंट्रोल योर माइंड। और जिस दिन उस दिन कर दिया, उस दिन आप यू कैन डू व्हाट एवर यू लाइक टू, आप जैसा सोचोगे वैसा। तो ये पॉजिटिविटी वाली बात है। तो इसलिए हम लोगों को बोलते हैं, एक हमने चैंटिंग भी चलाया है, उसका नाम है यस आई कैन चैंटिंग। आप सुबह और रात सोने के पहले आप यस आई कैन बोलिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ। और एनी पॉजिटिव थॉट, आप अपने को जो भी ठीक करना चाहते हैं, सबकॉन्शियस को कैसे ठीक करना चाहते हैं, इमिडिएटली आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड सोने के पहले, जब आप हल्की हल्की नींद में तंद्रा में जा रहे होते हैं, उस टाइम पर वो थॉट को अपने अंदर को लेते जाइए कि ये हाँ ये मैं कर सकता हूँ, दिस रिसर्च आई कैन डू, दिस आई कैन डू, ये मैं करूँगा ही करूँगा, क्यों नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसा करते करते अपने को आप देखिए, और अगर 20-21 दिन आप देखेंगे आपका दिमाग शर्तियाँ परिवर्तित हो जाएगा एंड योर सक्सेस रेट विल इन्हांस। अगर आज आपकी सक्सेस रेट 20-30% है, शर्तियाँ ये सक्सेस रेट कम से कम 30-70% आपकी एकदम इंक्रीज होगी। क्यों आपको ये सोचना है यार मैं कर सकता हूँ, ऑलवेज निगेटिव थॉट आएंगे, आपको क्यों डाइवर्ट करना है। जैसे वो पहले मिरर में होता था, एक रे आती थी, रे डाइवर्ट कर दिया हमने, फिर उसके बाद एक हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते थे, रिफ्रैक्ट होके वो पॉजिटिव रूप में आपके दिमाग में चलेगी। सो दैट यू कैन डू, यू मस्ट थिंक पॉजिटिव। मैं यहाँ यही बोलूँगा, हमारे स्लोगन भी आखिरी, आई विल कंक्लूड, थिंक पॉजिटिव थिंक पॉसिबल। हर चीज़ में सोचो कि यार ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, क्योंकि कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होती। थिंक ऑप्शंस, हमेशा किसी चीज़ को कोई रोड ब्लॉक नहीं होती। मैंने आपको यहाँ से मसूरी जाना है तो देयर माइट बी अदर वे, ऐसे जाऊँ ऐसे जाऊँ, बट देयर आर ऑप्शंस, रोड इज नॉट ब्लॉक्ड, और ज्यादा आप पैदल भी जा सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो ऑप्शन, बट आप वो ऑप्शन को देखते नहीं। सो यू मस्ट विजुअलाइज ऑल द ऑप्शंस, हाउ यू कैन डू दैट वर्क एंड लास्ट। और वो एक सकारात्मक व्यक्ति और ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, थिंक सॉल्यूशंस। हमेशा आदमी एक पॉजिटिव और निगेटिव आदमी में यही अंतर होता है, पॉजिटिव आदमी ही ऑलवेज वर्क फॉर सॉल्यूशन, निगेटिव आदमी केवल ताले ढूंढता है, पॉजिटिव आदमी केवल चाबी ढूंढता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गी जी। डॉक्टर कर्नाटक, आपने कई कॉन्सेप्ट बनाए हैं, आप ऑथर हैं, राइटर हैं, तमाम आपकी किताबें, कई फॉर्मुलेशंस आपके हैं जी। यस आई कैन, यस यू कैन, यस वी कैन, आपका प्रसिद्ध इतना सूक्ति वाक्य जिसको कहा जाता हुआ है, बाइबल हुआ है, आपने जो फॉर्मूले बताए उसमें से कुछ एक आध का अगर आप कुछ उदाहरण दें, और हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी है और ये पूरी ऑडियंस, वर्चुअल ऑडियंस भी आपके सामने है, आप अगर उसको उनको बताएं। थैंक यू। तो पहले तो मैं आपको एक ये फॉर्मूला देना चाहता हूँ कि ये
तीन वाक्य हैं, ये वाक्य नहीं, ये पावर है, पावर देयर लाइक एटॉमिक पावर, यस आई कैन, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, यस यू कैन, तुम भी कर सकते हो, यस वी कैन, हम लोग कर सकते हैं, वी मीन टीम, वी मीन टीम। और अब इस जमाने में कोई भी चीज अकेले नहीं हो सकती है, इट्स ए टाइम टू कनेक्ट, इसको हम फोर्स ही बोलते हैं, कनेक्ट, कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट। कनेक्ट मतलब आपको हर आदमी के साथ, जो भी आपके साथ जो काम कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट होना है, जब कनेक्ट आप होंगे हर आदमी कोऑपरेट करेगा, और उसके बाद आप कोलैबोरेट करोगे एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। सो दिस इज द थिंग, सो वी, यस वी कैन, हमेशा इसे आई लोग बोलते हैं मैंने ऐसा किया, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब पूरा जमाना इट इज टोटल टाइम ऑफ इंटरडिपेंडेंस, आपको एक दूसरे पर, जैसे अब जलवायु अग्नि हम सब लोग एक पांच तत्व एक दूसरे डिपेंडेंट है, ऐसे ही पूरी दुनिया एक दूसरे डिपेंडेंट है, इसलिए हाथ पकड़ के चलो, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैंड होल्ड द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आज एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो हमने डेवलप किया, उसका नाम है हाई हाई हा। ये कंसेप्ट क्या होता है, ये याद करने के लिए बड़े आसान से होता है, ये ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, बट दिस इट इज डिफिकल्ट, इट इज ईजी फॉर यू। और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल क्या है, हाउ टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। जब आप सुबह उठते हैं तो आप 6-7 बजे उठते हैं, फिर आप तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाए कन्फ्यूजन, यार मेरे को मीटिंग में जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरा ये पैड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यार टोटली कन्फ्यूज। आधे दिन आप कन्फ्यूज रहते हैं, आधे दिन बाद थोड़ा आपको होश आता है, तो 1-2 घंटा काम करते हैं। सो व्हाट इज योर प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ द टोटल दिस 2/8। आप केवल मे बी 20% ही आप अपने दिन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमारा मानना यह है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, पहला काम आपको अपने आप को ठीक रखना है, यानी कि योर हेल्थ शुड बी ओके, एंड सेकेंड इज योर टाइम हैज टू बी मैनेज प्रॉपरली। सो टाइम एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी को ऐसे लोग करते हैं साइंस लोग, कि अपने समय को हम कैसे इस्तेमाल करें। अब आपके 7 विषय हैं या 8 विषय हैं, तो हमने बोला भाई आप हमेशा एक मैट्रिक्स होती है, ये 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स होती है, ये नई नहीं है, ये सब बहुत पुरानी चीज़ है। आपके पास माना 7 काम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सपोज 7 वर्क्स देयर आपके पास है, तो आप कैसे करेंगे। ये जो वाई एक्सिस होता है ये होता है इंपैक्ट, और एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंस। अब आप बैठे, आपने डायरी में लिखी, और डायरी में भी आपको बताता हूं कि आपका कैसे डायरी होनी चाहिए। डायरी भी एक डायरी बहुत अच्छी डायरी बनती है, जो हमने गेल में हमारे एक सीजीएम है, अब तो ईडी हो गए हैं, मिस्टर प्रसाद, ही हैज डेवलप्ड दैट कॉन्सेप्ट। ऐसे हम लोग इतनी बात कर रहे थे कैसे करें, तो हमने कहा था एक ऐसा करो यार, एक टू डू मस्ट डू। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो, हमने तो ये भी जो एक किताब हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि जर्नी फ्रॉम अचीवर टू आउटलायर, वी आर डेवलपिंग ए बुक, इट्स ए 3-वॉल्यूम बुक। उसमें पूरे हमने दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं उसकी एनालिसिस करी है, जितने फेलियर्स हैं उसकी एनालिसिस करी, एंड हाउ दे हैव सक्सीडेड फ्रॉम द फेलियर। तो पहले आदमी को हमने बनाया कि भाई आपका, यहां पर कर देता हूं इसको, इसको 3 पोर्शन में बनाया ऐसे, ये है नो योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर, इसका नाम है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इसका नाम है सेल्फ एम्पावरमेंट, और ये है सेल्फ इनलाइटनमेंट। ये पोर्शन में आप भी अपने आप को जानेगा कि मैं क्या हूं,
मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, ये सब चीज जानेगा. सेकेंड इज दिस इज अचीवर साइट एंड दिस इज आउटलायर. तो अचीवर यहां से आपको पता लग गया कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. यहां आप अपने को समझिए, इसी पूरी एनालिसिस है. इन नेक्स्ट लेवल फ्रॉम हियर टू हियर आप अचीव करने का प्रयास करें कि अपने गोल बनाएंगे. अब गोल भी लोग कैसे बनाते हैं कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बट गोल इज लाइक, ऐसा नहीं कि डेजर्ट में आदमी जा रहा है कि उसको दिख ही नहीं रहा, डेस्टिनेशन दिखते ही नहीं. तो इसीलिए यहाँ पर एक कोरिलेटेड हमने एक मैं और बताना चाहता हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड सक्सेस के लिए ए फॉर्मूला, सक्सेस मंत्र, उसका नाम है जी डी एंड पी. बहुत सिंपल है, याद करना जी डी एंड पी. आप बोले सब जी क्या होता है, जी इज क्लैरिटी ऑफ गोल. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये आपकी डेस्टिनेशन जो ये गोल हमने बनाई है ये क्या है. एंड गोल शुड बी विद टाइम. ये देखिए, ये मैं यार मैं एवरेस्ट में जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता, ये गोल नहीं हुआ. गोल ये हुआ कि मैं 2020 एंड तक एवरेस्ट में जाना चाहता हूँ, दैट इज योर गोल. सेकेंड इज डी. डी हम बोलते हैं, डी इज डायरेक्शनल एफर्ट, डायरेक्शनल एफर्ट्स. यानी कि जितने भी आपके एफर्ट हैं, चाहे वो आपकी एट्रीब्यूट्स हो, चाहे आपकी पैशन हो, चाहे आपकी डिटर्मिनेशन हो, चाहे आपकी करेज हो, चाहे आपकी बाउंड्री मैनेजमेंट हो, किसी अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इट शुड बी इन दैट डायरेक्शन. सो व्हाट वी से दैट एफर्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी. साइंस के लोग जानते होंगे स्केलर वेक्टर में क्या अंतर होता है. वेक्टर इज डायरेक्शन बेस्ड. तो आपको जो गोल जाने वाला, यहाँ से आपको अगर माना मसूरी जाना है, तो ये हमारा गोल, इस तरह से हमारा गोल है. एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड परसीवरेंस. परसीवरेंस मतलब लगे रहो मुन्ना भाई, आप छोड़ो नहीं जब तक आपको लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो. इसके लिए हमने एक कोट भी बनाया कि जिंदगी एक मैराथन, जिंदगी एक मैराथन है, यहाँ पर चलना, यहाँ पर रुकना एंड थकना मना है. यहाँ पर रुकना, यहाँ रुक नहीं सकते. एक बार अगर आप इस दौड़ में शामिल हो गए, यू कैन नॉट स्टॉप. और आप ये भी नहीं बोल सकते मैं थक गया हूं. उठो, चलो, दौड़ो, गिरो, फिर उठो, चाहे रेंगो. आप उठ के गिर भी जाओ तो भी आप उठो, और चाहे क्रॉल करो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना. सो दैट इज द थीम ऑफ सक्सेस. तो ये आपको करना है. तो यहां पर आप भी अचीवर बन गया. अचीवर के आगे हमने एक कंसेप्ट बोला, उसका नाम हमने लिखा पीक, PEAK. पीक वैसे भी पीक समझो, ऐसी पीक है या ऐसे एवरेस्ट है, आप एवरेस्ट में जाना चाहते हो. पीक इज प्रयास, एक और कदम. और ये हमारे जो हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वहाँ से पता लगा कि कैसे चीज़ें होती है. आप कोई चीज़ को छोड़ते हो, अगर आप एक कदम उसमें स्टेप और काम करोगे तो आप सक्सेस प्राप्त. तो पीक इज, दिस इज द पीक. तो यहाँ से आप भी चाहता है, अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो ही हैज टू क्रॉस मैनी बैरियर्स. तो लेकिन उसको रुकना नहीं, हर कदम पे उसको एक प्रयास करना है. वो उसको फेलियर भी आ सकती है, बट उसको वहां पर एक प्रयास करना है और तब वो जाके यहाँ से यहाँ आगे बढ़े. और ऐसे लोगों की कुछ हमने एट्रीब्यूट निकाली, दे हैव गॉट ए टिपिकल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्स्टिनेसी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव. इनके लिए ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल एक पागलपने की तरह होता है. कोई भी लक्ष्य उनके लिए कोई भी कम नहीं होता, लेकिन वो केवल लगे रहते कि इस जमाने की परवाह भी नहीं करते. सो दिस ऑल एट्रीब्यूट वी है. तो यहाँ पर हम जो यहाँ से मुताबिक बात कर रहे थे वो थी टाइम की. टाइम की हमने क्या किया कि टाइम की एक टू डू एंड मस्ट डू, ये आपने डायरी है आपके पास. आपका 7 दिन होते हैं, ये अगर 5 दिन मान तो 5 दिन है काम करने के. तो आप 5वें दिन की आपने डायरी बनाई, माना इसको मैं 5 भाग में बांट देता हूं. ये एक पेज नहीं है, 5 पेज है. ये आपका डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, डे 4 हो गया, डे 5 हो गया.
और यहाँ पर आपके कुछ काम आपने लिखे, जो जो काम आपके पास है वो आपने काम लिखे, चाहे आपके ऑफिशियल वर्क हो चाहे आपके पर्सनल वर्क। नाउ क्वेश्चन इज मस्ट डू द डे प्लानिंग, दिस इज डे प्लानिंग। आपके पास ये इन्वेंट्री ऑफ वर्क, इससे फायदा ये होता है कोई काम छूटता नहीं है। जनरली ये होता है कि अरे वो तो भूल गया, आपको भूलने की इजाजत अब इस दुनिया में नहीं, अगर आप प्रोफेशन में आए थे, अदरवाइज भी नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट लॉग ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द वर्क्स हियर। नाउ सेकंड, अब आपको चुनना यार आज के दिन में मेरे को क्या काम करना है। आपने यहां से ये दो काम उठाए, यहां आपने लिख दिया, अब ये दो काम में मेरे को प्रायोरिटी क्या है। अभी दो काम में आज करने हैं मेरे को, सुबह माना जैसे हम माना सीएम साहब से मिलना है या डीएम साहब से मिलना है, वेयर आई शुड गो, उसके लिए आपको इम्पैक्ट एंड इम्पोर्टेंस एनालिसिस करना है। यानी कि अगर आपके सात काम है तो आपने माना यहाँ एक को प्लॉट कर दिया, यहाँ दो को प्लॉट किया, यहाँ चार को प्लॉट किया, यहाँ पांच को प्लॉट किया, यहाँ सात को प्लॉट किया, यहाँ आपने माना छह को प्लॉट किया और यहाँ आपने माना तीन को। So you have plotted, आपने देखा इम्पैक्ट, पहला आपके लिए इम्पैक्ट कि नहीं, पहला आपके लिए इम्पोर्टेंस कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट, एक्स एक्सिस में आप जाओगे कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है। देन यू विल से यार इसकी इम्पैक्ट क्या है, इसकी तो इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है और इम्पोर्टेंस भी इसकी कम है, ठीक है। अब आप यहाँ गए सीन में गए, आपने बोला यार इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। देन यू वेंट टू सेवन, माना यहाँ ये दस का स्केल हूँ, यहाँ दस का स्केल लेता हूँ, ये नाइन नाइन हो गया। आप छः में गए तो ये चार हो गया, इम्पोर्टेंट चार हो गया, ये नाइन फोर हो गया। अब आपको ये डिसाइड करना है यार ये अब मैं क्या करूँ। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड टेक फर्स्ट सेवन, तो इजीली हो गया। तो ये सेवन क्या हो गया, सेवन इज हाई इंपॉर्टेंस, हाई इंपैक्ट एंड हाई अटेंशन, हाई इंपैक्ट हाई अटेंशन। तो आपको बड़ी क्लियरिटी आ गई यार ये काम है, तो हमने गाड़ी पर भी आप गए वो काम करके। वन क्या हुआ आपका, लाई ला। सो हाई आया लाई लाई ला, इट्स ए न्यू मेथड ऑफ हाउ यू कैन हैव द प्रायोरिटी, हाउ यू कैन मैनेज योर डे, क्योंकि बहुत मुश्किल है जिंदगी। आपके पास समझे 365 दिन है। एक हमने एनालिसिस करी थी कि हाउ मच टाइम रियली यू वर्क, आप 365 से अगर लीजिए आप 50% यू आर ऑन द निगेटिव सेकेंड, उससे भी 50 में आप हार्डली पूरे साल में एक या दो महीने ही लिटरली यू आर इन अ प्रोडक्टिव मोड। दैट्स व्हाई वी से बी पॉजिटिव मतलब ये एक एक्चुअल रिलीजन होना चाहिए। इसीलिए हमने बोला कि अ मैन शुड नॉट बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन कास्ट क्रीड एंड कलर, ही शुड बी डिफरेंशिएटेड आइदर ही इज पॉजिटिव और नेगेटिव। विद दिस थैंक यू।